देखा था कि एक के बाद एक अब नाम सामने आए हैं और ये बंगाल से संबंध रखने वाले देवोश्री चौधरी का इस्तीफा अब सामने आ गया है। तो संतोष गंगवार पोखरियाल निशंक के बाद अब ये बड़ी खबर, आप ये जाहिर सी बात है अगर आप नए लोगों को ऐड करेंगे तो किसी ना किसी को टीम से बाहर भी किया जाएगा, देखना होगा कि क्या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि जैसे नए मंत्री जोड़े जा रहे हैं वैसे कुछ लोग बाहर भी जा रहे हैं, हो सकता है कि इनके कामों की समीक्षा हुई हो, कुछ लोगों ने अपनी सेहत का हवाला दिया है, ये बताया है। जैसे आप संतोष गंगवार को लीजिए या निशंक को लीजिए, अगर हम शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो उसमें सीनियर और जूनियर दोनों ही मंत्री बाहर हो गए हैं। तो राव साहब दानवे का भी नाम सामने आ गया है, राव साहब दानवे ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है, लगातार अब छनकर सामने आएंगी क्योंकि वो लोग जिनकी एग्जिट हो रही है निधि, उनके नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक। अब जैसा बता रही है सुजाता, देवश्री चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और किस तरह से राव साहब दानवे का इस्तीफा सामने आ गया है, ये वो चेहरे जो बाहर जा रहे हैं। निधि आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सुचारिता। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देवाश्री चौधरी और अब राव साहब पाटिल आप कह रही हैं, ये तमाम वो मंत्री जो कि आप देखिए कुल मिलाकर एक जो मोदी की नई टीम तैयार होनी है उसमें 43 मंत्री होंगे, कैबिनेट, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट प्रभार जिसे मिलेगा, और उसके बाद वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें नए और पुराने मंत्री शामिल होंगे। ऐसे में इन ये सब नाम सामने आ चुके हैं जो कि रिजाइन